शाबाश। दानिशा, ये राजा रानी बनना कितना कठिन है ना? राज्य चलाने के लिए कितना काम करना पड़ता है। हम बड़े हो जाएंगे ना तो बाबा साखो राज्य चलाने में फायदा करेंगे। यहाँ आइए। शाबाश, कितनी बड़ी बात कही आपने। परंतु आप सहायता को नहीं करेंगे, आप जब बड़े होंगे ना सौर्य बड़ा, ये पूरा देवगढ़ आप संभालेंगे। परंतु बड़े होने के लिए आपको तो भोजन करना होगा। चलिए पहले भोजन कर लीजिए। हमें बाबा साहब के हाथ से ही खाने, हम बाबा साहब के आने की प्रतीक्षा करेंगे। खा लीजिए महाराज, शौर्य बिना की पसंदीदा खीर है, वो होते तो छट कर जाते। आप सब चाहिए आज के लिए बस इतना ही। ये आपका दायित्व है कि हमें याद करके हमारे शौर्य बना की आंखों में एक आंसू भी ना आए। शौर्य बना, थोड़ा सा खा लीजिए, देखिए आपका मन पसंद लड्डू भी है। हमें नहीं खाना, हमने बाबू सर मास्टर से मिलना है। जादूगर, ये क्या है? हम भी आपकी तरह इस पे घूम सकते हैं? बिल्कुल, आप भी इस पर मेरी तरह खेल सकते हो। पर उसके लिए आपको वो देख रहे हो खाना, वो खाना खाना पड़ेगा। और आप ये सोचिए कि जब आपके मासा और बाबा साइज इस बोर्ड पर आपको चलते हुए खेलते हुए देखेंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा। और आपको पता है कान निकल रही और आपके बाबू साहब भी खुश हो जाएंगे। ये बात है तो हम खाने के लिए तैयार हैं। बस सबसे पहले खीर खाएंगे।
अच्छा ठीक है, तो फिर हम सबसे पहले खीर खिलाते हैं शौर्य बड़ों को। शौर्य बनाने किसी की नहीं सुनी, पर ध्रुव जी ने उन्हें मनाकर प्रेम पूर्वक भोजन खिलाए दिया। चिकित्सक ध्रुव ही कर सकते थे ये, आखिर शौर्य बना के असली पिता जो ठहरे। चिकित्सक ध्रुव कितने खुश लग रहे हैं, और ये खुशी उनके हक की है। वो अपने प्रेम से तो दूर है, पर अपने पुत्र से क्यों दूर रहे? हमें चिकित्सक ध्रुव और शौर्य बना के लिए कुछ करना होगा। धन्यवाद। रानी साहब, हम समझ सकते हैं कि मित्र ध्रुव सरस्वती देवी को पहले से जानते हैं, आदर सम्मान का रिश्ता है उनका, परंतु इतना समर्पण कि सरस्वती देवी को दिया गया दंड इन्होंने अपने सर ले लिया और बिना शिकायत के सहे चले जा रहे हैं। ये तो निश्चित है महाराज, अच्छाई से भी अधिक अच्छे व्यक्ति है। अवश्य, परंतु हमारी समझ और अनुभव कहता है कि इस जुड़ाव, इस रिश्ते के पीछे कोई और विशेष बात अवश्य है जिसका हमें ज्ञात कोनी। महाराज, हमारे मन में तो अभी केवल एक ही चिंता पनप रही है, हमारी माँ का स्वास्थ्य। शीघ्र अतिशीघ्र माँ स्वस्थ हो जाए, हम उनसे मिलाते हैं। अवश्य। जल्द ठीक हो जाएंगी। ये चिट्ठी कौन छोड़ के गया है? तुम्हें भी औषधि की आवश्यकता है।
माँ की तबीयत में अभी सुधार है, बहुत जल्दी इन्हें होश आ जाएगा। मैं माँ की कुछ दवाई लेकर आता हूं। चिट्ठी? आपके कमरे के कांच में आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात है, एक राज है शौर्य के बारे में, जो आपको जानना जरूरी है। जाके तुरंत देखिए। चिट्ठी में ये बात नहीं लिख रही हूँ क्योंकि कभी गलत हाथ में चिट्ठी आ गई तो अनर्थ हो जाएगा, मगर ये सच आपको जानना जरूरी है। कहाँ रख दी मैंने दवाई? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.